ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये थर्ड लॉकडाउन के बाद देश को संबोधित करके जो तकरीर करने वाला था, लोगों को बहुत जिक्र था। अब लॉकडाउन में बहुत लोगों को परेशानी हुआ, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली देशवासियों को बात करके बहुत सारे हेल्प देते, बहुत सारे इंसेंटिव्स देते बोल के बहुत उम्मीद रखे था। उन्होंने क्या भी इंसेंटिव्स नहीं दिया। बाद में फाइनेंस मिनिस्टर विल एड्रेस एंड उसका बारे में बताते, जानकारी देते बोल के बोले 20 लाख करोड़ का जिक्र करे था, उतना पैसे का पैकेज है, बड़ा पैकेज बोल के। खास करके वर्किंग क्लास जो लेबर्स डिस्टर्ब था, जो बॉम्बे, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद ऐसा बड़ा सिटीज़ में जो माइग्रेंट लेबर्स था, उनको क्या तो मिलता बोल के उम्मीद रखे था। जो किसान लोग है वो बहुत परेशानी में, क्योंकि आज का एग्रीकल्चर ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग 25 to 30% एग्रीकल्चर जो किसानी करते हैं वो लोग हॉर्टिकल्चर का ऊपर है, तरकारी फ्रूट्स उसका ऊपर ही पैसे बना के ज़िंदगी जी रहे। ये दूसरा चीज़ जो है पैड़ी चावल, वो उसमें वो कम हुआ, उसमें उतना फ़ायदा नहीं है। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप का ऊपर बहुत किसान लोग डिपेंड था। ये 3 महीने सीजन था, खास करके ये हमारा जो खरबूज है वो है, ये और तरकारी और ग्रेप्स, ऑरेंजेस, नींबू, ये सब जो फल ग्रो करे वो किसान लोगों सोचे था हमको पैकेज में क्या तो बड़ा रिलीफ रहते बोल के। लेकिन निर्मला सीतारम एक ही बार पैकेज नहीं घोषणा करे, कल ले करे, आज ये करे, परसों ये कर रहे, ऐसा 3 दिन क्यों ले रहे मेरे को मालूम नहीं है। ये एक टेली सीरियल जो चलते सस्पेंस रखते जाते ना, ऐसा उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहा है, क्या भी रहने दो। लेकिन कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते वो मालूम नहीं है। लेकिन आज तक उन्होंने जो बोले और जो 20 लाख करोड़ का जिक्र करे, उसमें मेरे को खाली 3 चीज़ अच्छा दिख रहे जो इम्प्लीमेंट होते, जो सही दिख रहे। उसमें एक है 5 करोड़ जो माइग्रेंट लेबर्स है उसको फ्री 10 किलो फूड ग्रेन्स देते, चावल गेहूं जो जो प्रदेश में जो इस्तेमाल करते वो देते बोल के। और एक NREGS में जो महात्मा गांधी उद्योग खात्री है उसका तनख्वाह 180 रुपये से 182 रुपये से करीबन 202 रुपये एक दिन को करे, वो एक। और जो स्टेट गवर्नमेंट का पास नेशनल डिजास्टर का फंड रहे थे, वो पैसे स्टेट गवर्नमेंट जमा करके भारत सरकार को देना, उसको एक अथॉरिटी दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन यूटिलाइज दिस नेशनल डिजास्टर फंड एज COVID-19 रेमिडी, उसको जो जो चाहे वो कर सकते बोल के। ये 3 चीज़ छोड़ के उसमें क्या भी होने वाला नहीं है, वो खाली बातों में लोगों को गोल फिराया बोल के बोल रहे, उसका ज़रूरत नहीं था। क्योंकि प्रधानमंत्री का बात को मान के पूरा देश में 95% लोग लॉकआउट हुआ, बहुत परेशानी हुआ था उनको, वो क्रेडिट मैं भी दे तो खास करके इतना कोरोना हिंदुस्तान में स्प्रेड नहीं हुआ बोले तो डेफिनेटली वो क्रेडिट प्रधानमंत्री को है। उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप दिया, उसका साथ हर पार्टी वाला उनको साथ दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, पंजाब का CM जो कांग्रेस का CM है, उन्होंने सबसे ज़्यादा उसको बोले, इसको स्वागत करते और बढ़ाना बोल के उन्होंने भी बोल रहे, अरविंद केजरीवाल बोल रहे, ओडिशा CM बोल रहे, हर चीफ मिनिस्टर्स उसको पार्टीबाजी इधर कोई नहीं करे, उसको प्रधानमंत्री का ताकत बढ़ाना बोल के सब उनको साथ दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जो पैकेज डिक्लेयर करे उसमें किसको भी, किसान को क्या भी फायदा नहीं है और हमारा लेबर्स को भी क्या भी फायदा नहीं है। और निर्मला सीतारम जो MSME का बारे में बात करे, मैं बोलता हूँ बड़ा कंपनी जो मल्टीनेशनल है, जो कार मैन्युफैक्चर करते, बड़ा बड़ा चीज़ मैन्युफैक्चर करते, ऐसा कंपनी चालू होने के बाद MSME का ऊपर वो लोग उनका फिनिश्ड ग्रुप्स गुड्स लेके बनाने वाला रहते, इनका ऊपर ही डिपेंड रहते। वही कंपनी चालू नहीं हुआ बोले तो MSME को क्या भी फ़ायदा नहीं मिलते। और हुआ तो भी उन्होंने क्या जिक्र करे, 50 लाख MSME विल बी बेनिफिटेड बोल के। मैं बोलना चाहता हूँ करीबन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ही अंदाज दे रहा है, करीबन 6 करोड़ का ऊपर MSME हमारा पास है हिंदुस्तान में, खाली 50 लाख का उन्होंने जिक्र करे, वो भी क्या भी होने वाला नहीं।
अब किसका पास भी पैसे नहीं है उसको भी क्या दिया, अब नया इन्वेस्टमेंट करे तो उसको कुछ सब्सिडी मिलते, लोन में रिडक्शन देते, अब पैसे इच नहीं है कहाँ से इन्वेस्टमेंट करते, चुप होने वाला इच नहीं है मेरे को बहुत ये दिख रहा है, ऐसा चीज बोलने का ये टाइम नहीं है, हमारा जिंदगी हम जी रहे था सेल्फ, उन्होंने क्या बोले इम्पोर्ट्स कट करते वो करते बोल के बोले, इम्पोर्ट कट करने का क्या भी इधर प्रोग्राम ही नहीं है, इन्हों क्या जिक्र करे अब माइग्रेंट लेबर का बारे में, उनको घर बनाना जो लैंड है उन्होंने घर बनाए तो उनको सब्सिडी वो, ये किसका पास पैसे है जी, पैसे नहीं है बोल के लोग परेशानी में है, तुम वो करे तो इधर इन्वेस्टमेंट करे तो तुमको सब्सिडी मिलते, तुमको वो मिलते ये मिलते, ये किसका पास पैसे ही नहीं है। और स्ट्रीट वेंडर्स का बारे में बात करें, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर है हिंदुस्तान में, उसको हर आदमी को 10-10 हज़ार रुपये हम देते, उसको 5 हज़ार करोड़ रुपए हम रखे बोल के, हाउ दे विल आइडेंटिफाई, स्ट्रीट वेंडर का लिस्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट में है ही नहीं, हाउ दे विल आइडेंटिफाई, ये चुप होने वाला नहीं है, ये खाली स्लोगन पेपर का ऊपर ही रहने वाला रहते। और एक उन्होंने बोले लेबर रिफॉर्म्स, देखो लेबर रिफॉर्म्स क्या भी एक चेंजेस लाने हैं, एक कोरोना का भी अभी फीवर चल रहा है, ऐसा चीज़ों में कहाँ से रिफॉर्म्स लाते, वो बोलने का समय नहीं है, क्यों बोले मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन तीन चीज़ का मैं उसको अप्रिशिएट करते, गवर्नमेंट ये पार्लियामेंट में बिल पास करके हम जो लेबर्स है उसको एक ही मिनिमम वेजेस सारे हिंदुस्तान में करते बोल के, डेफिनेटली एज ए ट्रेड यूनियन लीडर आई विल ऑल्सो वेलकम इट। और एक टेम्प्रेरी वर्कर्स रहने दो, आउटसोर्स रहने दो, सबको एक परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बोल के बोले, बहुत अच्छा है, रिट्रेंचमेंट जिसको निकाले उसको लगाना बोल के बोले। कहीं गुलबर्गा में मेरे पास हर दिन 50 लोग मिनिमम आते, सर हमको निकाले, हमको तनख्वाह नहीं हुआ, मिनिमम वेजेस नहीं हुआ, मैं कहीं मिनिमम वेजेस अथॉरिटी में केस डाले, हाई कोर्ट में डाले, सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस मैं लड़ रहे, कहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहे, बोलने का टाइम है, वी विल बिल ब्रिंग ए लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट बोल के मैडम बोले, इज दिस द राइट टाइम टू मेंशन अबाउट दैट। अरे अब ये सिचुएशन में रिफॉर्म्स का पार्लियामेंट जब सेशन था चल रहा था कोरोना होने से पहले, उसी वक्त आप ला सकता था, वो नहीं हुआ, चुप हो, लोगों को ये माइग्रेंट वर्कर्स को लेबर लोगों को हाँ ऐसा करने वाला ऐसा करने वाला बोल के, इट इज़ ओनली इट अपीयर्स टू बी ओनली ए स्लोगन। और एक ये किसान लोगों को जो जो बोले, नाबार्ड को हम 28,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हम दे रहे, उन्होंने लोन दे सकते बोल के बोले। और एक 3 लाख फार्मर्स को जो पहला उनको लोन दिया उसको टाइम बढ़ाना बोल के, ये पहला ही आरबीआई जब पैकेज मार्च में करीबन मेरे को जहाँ तक याद है मार्च एंड में जो पैकेज दिया था वही पैकेज में डिक्लेयर था, और 3-4 महीना बढ़ाते बोल के, इन्हों क्या बोल रहे, पैसे भरने के लिए आपको टाइम दे रहे, आप टाइम दे रहे बोल के बोल रहे, किसका पास पैसे है कहाँ से भरना, किसान लोग इतना परेशानी में है, अब तनख्वाह वगैरह का बारे में लेबर्स का बारे में उन्होंने जिक्र कर रहे हैं, मैं गुलबर्गा का ही छालत बोलता हूँ, अब सीमेंट इंडस्ट्री हमारा पास आए, आज सुबह से मेरे को कई फोन्स आ रहा है, कई 2-3 लोग आके भी मिल के ऐसा सिचुएशन में भी रिप्रेजेंटेटिव्स लीडर्स आके मिले, हमारा वासवदत्ता सीमेंट फैक्ट्री में अल्ट्राटेक में एसीसी में तनख्वाह नहीं दे रहे लॉकआउट पीरियड में, मोदी साहब बोल रहे दीज कम अंडर सेंट्रल एक्ट, मैं क्यों जिक्र कर रहे हैं बोले तो ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्री कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वासवदत्ता जो हर दिन 40 से 50 करोड़ का सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने बोल रहा है लॉकडाउन पीरियड को तनख्वाह नहीं देते, आप किसका पास जाते हैं, कौन सा यूनियन का पास जाते हैं जाओ बोल के, ऐसी अल्ट्राटेक जो राजेश सीमेंट बोलते हैं वो भी तनख्वाह नहीं दे रहे, देखो दीज आर ऑल लिविंग एग्जाम्पल्स, इफ दिस रीचेस द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ गुलबर्गा और एल्सवेयर कनेक्टेड, आई होप यू विल टेक इट सीरियसली एंड रिजॉल्व दिस इश्यू, क्योंकि कुछ इनका बात कोई नहीं सुन रहे, दे आर ऑल अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए मोदी साहब को कल और एक पैकेज डिक्लेयर करना बोल के उन्होंने बोल रहे, मैं मेरा एक उम्मीद है डायरेक्टली किसान लोगों का हाथ में पैसे पहुंचना, ऐसा तुम क्या तो एक स्कीम निकालो डायरेक्टली, अब किसान को हमारा स्टेट गवर्नमेंट 2,000-3,000 स्मॉल फार्मर्स को डाल रहे ना, ऐसा डायरेक्टली किसान का अकाउंट में पैसे डालने का सोचो,
और लेबर जो है माइग्रेंट लेबर है उसको आइडेंटिफाई करके डायरेक्टली उसको 10,000 15,000 पैसे पहुंचने का क्या तो रिश्ता रहे, तो वो निकालो जब वो सही इस्तेमाल होते। चुप ऐसा बहाना बना के हम 20 लाख का पैकेज दिया वो दिया बोले तो कुछ होने वाला नहीं है। अब येडियुरप्पा साहब बोल रहे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो जो किसान ये करे उनको मैं हेक्टर को 15,000 दे रहा है बोल के, ए वी विल वेलकम, क्योंकि ये डायरेक्टली 15 रहने दो, उससे उससे ज़्यादा देने का हमारा उम्मीद था, 15 दिया तो भी ठीक है, वो तो इम्प्लीमेंट सही होना, इम्प्लीमेंट होने का मेरे को भरोसा नहीं है, क्योंकि उतना पैसे जनरेट नहीं होते, उतना आइडेंटिफिकेशन करना भी मुश्किल है, इसलिए डायरेक्टली अब जो पैरने का सीज़न चालू हुआ, अब और एक दो बारिश आए तो यहाँ पे पैरने का सीज़न चालू होते, किसान का पास पैसे नहीं है, जो लेबर उनका पास काम करने वाला है उनको पेमेंट करने के लिए किसान, क्योंकि उनका जो तोवर था उनका जो जो फूड ग्रेन्स था वो मार्केट बंद रहने से उनको अच्छा रेट नहीं मिले, एमएसपी, यहाँ पे तोवर को आज तक भी एमएसपी नहीं मिले, उन्होंने 20 क्विंटल बोले 40 क्विंटल बोले, क्या अभी लिया ही नहीं, पैसे अभी तक बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ, मेरा खुद का बोल रहे, मेरा भी मेरा खुद का पैसे नहीं है आज तक जो सोसाइटी को तोवर हम भेजे से। ऐसा सिचुएशन में किसान लोग कैसा पैरते, किसान लोगों का जिंदगी कैसा बनते, ये बहुत मुश्किल का घड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही है, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लोग पूरा सारे हिंदुस्तान का लोग आपका ऊपर भरोसा रख के लॉकडाउन को पूरा कोऑपरेट करे, दूसरा जो वेस्टर्न कंट्रीज में फैला है ऐसा फैलने नहीं दिया, इसको इसका क्रेडिट किसको जाते बोले तो सारे भारतवासियों को जाते, क्योंकि ये बात समझ के सब